Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic, meristematic and permanent tissue in class 9th in chapter 2, tissue. Okay student, in the previous video, we have already discussed about the characteristics of permanent tissue. But in this video, we are going to discuss the difference between meristematic and permanent tissue. Okay student, just open your book and reach page number 56. In that page, there is a topic, the difference between meristematic and permanent tissue. Just take a look. Here it is page number 56, and in that page there is a topic, differences between meristematic and permanent tissue. Let's start. It is composed of small, spherical or polygonal and undifferentiated cell. जैसे अगर बात करें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके एक तो स्मॉल होते हैं, स्मॉल के साथ साथ कैसे होते हैं, स्फेरिकल. स्मॉल का मतलब क्या होता है, यानी उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है. स्फेरिकल का मतलब स्फेरिकल शेप के होते हैं. स्फेरिकल कैसा शेप होता है, जैसे लाइक अ फुटबॉल, ये फुटबॉल की शेप हो सकती है, लाइक अ बास्केटबॉल, जैसे बास्केटबॉल की शेप होती है, फुटबॉल की शेप होती है, उस टाइप की शेप के होते हैं. और अगर मैं बात करूँ जैसे रिंग होती है, रिंग की जो शेप होती है लाइक दिस, दिस इज़ अ सर्कुलर शेप, इट इज़ नॉट ए स्फेरिकल, दिस इज सर्कुलर. सर्कुलर शेप पी वाली होती है एंड दिस इज स्फेरिकल. डिफरेंस क्या होता है, सर्कुलर शेप कैसी होती है बच्चों, सर्कुलर शेप होती है आपकी, ये होती है आपकी 2D, यानी 2D होती है, एंड दिस इज 3D, दिस इज 3D, यानी जो स्फेरिकल शेप होती है 3D होती है. अब बात करते हैं और कैसे होते हैं, ये होते हैं पॉलीगोनल. ये पॉलीगोनल शेप के होते हैं, यानी जिस टाइप शेप का आपका पॉलीगन होता है, यानी पॉलीगन कैसा हो सकता है, अगर बात करें पॉलीगन शेप की, पॉलीगोनल शेप की ऐसी हो सकती है इसकी शेप, इसकी शेप ऐसी भी हो सकती है, और इवन इसकी शेप इस तरीके से भी हो सकती है. दीज आर कॉल्ड पॉलीगोनल शेप्स. और अगर बात करें अनडिफ्रेंशिएटेड, और ये कैसी होती है बच्चों, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं. अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब ये होता है कि ये वाली जो सेल्स होती हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वाली सेल्स होती हैं, ये सारे वर्क नहीं कर पाती, इनका सिर्फ एक ही वर्क होता है, और वो क्या काम होता है कि प्लांट बॉडी में ग्रोथ कराना, यानी कि ग्रोथ कराना है किसमें, ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी प्लांट बॉडी में ग्रोथ कराने का मेनली काम किसका होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का. जो ये वाली जो सेल्स होती हैं वो सारे वर्क नहीं कर पाती, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, ग्रोथ कराना प्लांट बॉडी में. नाउ इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज डिफरेंशिएटेड सेल्स विद डिफरेंट शेप्स. अब अगर परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो ये कैसे होते हैं, एक तो ये लार्ज होते हैं, लार्ज का मतलब इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं. डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकते हैं, यानी कि इस टाइप की जो सेल्स होती हैं, जो परमानेंट टिश्यूज़ में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क से कर सकती हैं, कंप्लीट कर सकती हैं. और उनकी शेप कैसी होती है बच्चों, इनकी शेप होती है डिफरेंट शेप होती है, यानी डिफरेंट शेप का मतलब कैसा होता है, डिफरेंट शेप का मतलब ये हो सकता है कि इनकी सर्कुलर भी हो सकती है, इनकी स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, इनकी पॉलीगोनल शेप भी हो सकती है, यानी कि कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगी. यानी कि अगर कुछ सेल्स की शेप कैसी है, सर्कुलर है, तो कुछ सेल की जो शेप्स होगी वो कैसी होगी, वो पॉलीगोनल होगी, वो आपकी पॉलीगोनल शेप भी हो सकती है. तो इस तरीके से क्या होता है, इनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म इज डेंस, वैक्यूल्स आर नियरली एब्सेंट. अगर बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है आपका एक टाइप का लिक्विड, यानी कहने का मतलब जैसे सपोज कीजिए दिस इज़ अ सेल एंड दिस इज़ अ सेल वॉल ऑफ द सेल एंड दिस इज़ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस और सेल वॉल के अंदर या बीच में जो प्रेजेंट होता है दिस इज साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होता है. और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, इसमें ये डेंस होता है. डेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा घना होता है, यानी कहने का मतलब साइटोप्लाज्म इसमें डेंस होता है. और इसमें बाकी ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. और इसके साथ साथ इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं. और वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वैक्यूल्स का काम ये होता है फूड को स्टोर करना. लेकिन अगर हम बात करें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ प्लांट बॉडी में ग्रोथ को कराना, फूड स्टोर करने का उनका काम नहीं होता. यही रीज़न है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते. नाउ अगर हम बात करें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स अकर इन लिविंग परमानेंट सेल्स,
यानी ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, और वो भी कौन से वाले, लिविंग वाले, यानी डेड सेल नहीं, लिविंग परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है, जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो कैसा होता है, वो लार्ज होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का मतलब ये होता है कि जो बीच में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंटर में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो लार्ज होता है, और वो कितना, वो 90% करीबन क्या करता है, साइज़ को ऑक्यूपाई करता है। नाउ इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, सपोज दिस इज़ अ फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड सेल, दिस इज थर्ड सेल, दिस इज़ फोर्थ सेल, दिस इज़ फिफ्थ सेल, दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो कहने का मतलब होता है थर्ड और फोर्थ के बीच में जो गैप होता है, दिस इज़ द गैप एंड दिस इज़ द गैप, दिस गैप इज़ कॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस। ये जो गैप होता है, दिस गैप इज़ कॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी कहने का मतलब जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है, बट परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस आर यूजुअली प्रेजेंट, यानी कि जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, उनमें क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। फिर आगे बात करते हैं, इसमें सेल्स हैव थिन एंड इलास्टिक सेल वॉल्स। अब सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, थिन का मतलब क्या होता है, पतला या पतली। और अगर बात करें इसमें इलास्टिक सेल वॉल, इलास्टिक सेल वॉल, इलास्टिक सेल वॉल का मतलब ये होता है जैसे लाइक अ रबर बैंड, लाइक अ रबर बैंड, बट रबर बैंड इज़ मोर इलास्टिक, सेल वॉल इतनी ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती लेकिन रबर बैंड की तरह ही होती है। रबर बैंड क्या होता है, जैसे रबर बैंड को पकड़ कर क्या करते हैं, अगर हम एक एंड से पकड़ कर उसको स्ट्रेच करते हैं तो आराम से खिंच जाता है, वो ब्रेक नहीं होता जल्दी। कहने का मतलब ये होता है, इसी तरीके से इसकी जो सेल वॉल होती है वो इलास्टिक होती है, बट नॉट लाइक रबर बैंड, यानी रबर बैंड की तरह इलास्टिक नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि इसको पकड़ कर हम खींचेंगे तो ये टूटेगा ही नहीं, ये टूट जाएगा। इसकी जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, इलास्टिक होती है। अब बात करें अगर सेल वॉल की, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो मे बी थिन और थिक, यानी जो सेल वॉल हो सकती है वो इसकी थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है, थिन का मतलब पतली भी हो सकती है और थिक का मतलब मोटी भी हो सकती है। फिर आते हैं, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज़ लार्ज एंड प्रोमिनेंट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, इनकी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है और सारे फंक्शंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी कहने का मतलब प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर क्या करता है, मेन रोल लीड करता है, और जितने भी सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं, जो भी सेल के वर्क होते हैं, सबको रेगुलेट करने का काम करता है। फिर आते हैं, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज़ लेस कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मीन्स क्या होता है, सुस्पष्ट, यानी कि कहने का मतलब जो न्यूक्लियस होता है परमानेंट टिश्यूज़ में वो कम सुस्पष्ट होता है, कम क्लियर होता है, पूरा क्लियर नहीं होता। नाउ इट्स सेल्स ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करें तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं एंड डिवाइड रेगुलरली, और रेगुलरली डिवाइड होती रहती हैं। रेगुलरली डिवाइड होने से क्या होता है, प्लांट बॉडी में ग्रोथ भी होती रहेगी। अगर सेल्स रेगुलरली डिवाइड नहीं होगी तो प्लांट बॉडी में ग्रोथ रुक जाएगी। तो ग्रोथ के होने के लिए सेल में सेल डिवीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सेल डिवाइड होती रहनी चाहिए तभी प्लांट बॉडी में ग्रोथ होगी। इट्स सेल्स डू नॉट डिवाइड। अगर मैं बात करूँ परमानेंट टिश्यूज़ की, तो इनमें सेल डिवीज़न नहीं होता, इसकी सेल्स डिवाइड नहीं होती, यानी कि इनकी बाद में ग्रोथ नहीं हो पाती या इनकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट इज, इट इज़ अ सिंपल टिश्यू, यानी कि ये कैसे होते हैं, एक सिंपल टिश्यू होते हैं, यानी सिंपल का मतलब इनकी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होती है टिश्यूज़ की। और अगर हम बात करें, इट कैन बी सिंपल, ये सिंपल भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और स्पेशलाइज्ड, और कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने वाले स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ ये हो सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं जटिल, ये जटिल भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने वाले क्या हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर लीफ में टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं तो उनका काम क्या होगा, डिफरेंट होगा, या बॉडी प्लांट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अगर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं तो जितने भी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उन सब का वर्क क्या होगा, उनके प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट वर्क वो परफॉर्म करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, परमानेंट टिश्यूज़ में जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क को क्या कर सकती हैं, परफॉर्म कर सकती हैं, और क्या करती हैं, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू को क्रिएट करती हैं।